नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। आज है रक्षाबंधन, लेकिन हम बात करने वाले हैं अलग अलग गठबंधन की, जो कि मुंबई में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। शुरुआत कर रहे हैं फिक्र आपकी में इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। संसद के नए भवन में 5 दिनों का विशेष सत्र होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। दूसरी बड़ी खबर, संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल संभव है। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार बिल पेश कर सकती है। विपक्ष का आरोप, सरकार कभी हमसे सलाह नहीं करती है। तीसरी बड़ी खबर, संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल भी संभव है। खबर की पुष्टि नहीं, लेकिन बिल लाने की चर्चा जोरों पर है। चंद्रयान 3 और G20 पर भी विशेष सत्र में चर्चा संभव है। एक और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इंडिया अलायंस की बैठक। गठबंधन का लोगो अब कल दोपहर जारी होगा। 2 से 3 लोगों में से एक पर सहमति बनाने में जुटे दल। फिर अडानी मसले पर कांग्रेस सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस आलाकमान ने उद्धव ठाकरे शरद पवार को जानकारी दी। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों से संपर्क किया। फिर काकरापार परमाणु प्लांट पर पीएम का ट्वीट, यूनिट 3 में पूरी क्षमता से शुरू हुआ काम। प्रधानमंत्री ने कहा हमारे वैज्ञानिकों इंजीनियर्स को बधाई, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है, एमसीडी पार्षदों का भत्ता 83 गुना से ज्यादा बढ़ेगा। एमसीडी सदन की बैठक में भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा भत्ता नहीं। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी में वकीलों पर हमले का दिल्ली तक विरोध। कल सभी निचली अदालतों में 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल। दिल्ली की निचली अदालतों में वकील काम नहीं करेंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, G20 कारकेड रिहर्सल को लेकर एडवाइजरी। 2 सितंबर की रिहर्सल को लेकर एडवाइजरी आई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको यह जरूर देखनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज के बाद क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आज हमारी कवर स्टोरीज क्या क्या हैं? आइए सीधे शुरुआत करते हैं यहां से। हमारी कवर स्टोरी नंबर 1, राफेल अलर्ट पर और मिसाइल सिस्टम एक्टिवेटेड है। G20 के लिए दिल्ली की सुपर सुरक्षा हम दिखाएंगे। दूसरी खबर, जिंदा है प्रिगोजिन, डेथ मिस्ट्री वाली 5 थ्योरी, 26 सेकंड के आखिरी वीडियो का रहस्य क्या है। तीसरी खबर, स्कोव एयरबेस के बाद टारगेट पर क्रिमिया, ज़ेलेंस्की सेना की मिडनाइट स्ट्राइक दिखाएंगे। और चौथी खबर, एक देश एक चुनाव या महिलाओं को आरक्षण, संसद के विशेष सत्र में कौन सा मास्टर स्ट्रोक। पांचवी खबर, सोनिया के बाएं लालू और दाएं और शरद पवार, मुंबई डिनर में 28 दलों की सियासी खिचड़ी जरूर देखेगा। फिर सबके बीच में आज की शुरुआत हम जो करने वाले हैं, सबसे पहले आपको हिंदुस्तान का दमखम दिखाएंगे। ये दमखम G20 की सुरक्षा तैयारियों से जुड़ी है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले 20 सेकंड का ये पराक्रमी वीडियो जरूर देखिए। ये दिल्ली के तैयारी देख रहे हैं आप। यह दिल्ली का 5-स्टार होटल ला मेरिडियन है। यहां G20 देशों से जुड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहमान होंगे, उनकी सुरक्षा सबसे अहम है। ऐसे में इस होटल की छत पर आज हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो उतरते दिखाई दिए। ये G20 समिट के दौरान किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए एनएसजी का रिहर्सल था। कमांडोज ने इस दौरान हाईजैक सिचुएशन से निपटने की भी ड्रिल की है। सुरक्षा तैयारियों से जुड़ा ये एक और जबरदस्त वीडियो देखिए। दिल्ली पुलिस का स्निफर डॉग है, इसके सामने कई ब्रीफकेस रखे हैं, इनमें से एक डमी एक्सप्लोजिव प्लांट किया गया है। इस डॉग ने विस्फोटक वाले उस लगेज की पहचान की है। ब्रीफकेस के अलावा कारों और बाइक में भी इसी तरह से डमी एक्सप्लोजिव प्लांट किए गए हैं। कुछ डमी हैंडलर्स भी यहां मौजूद थे। इस स्निफर डॉग ने ड्रिल के दौरान इनकी भी पहचान की। तैयारी जबरदस्त है, तैयारी बहुत जबरदस्त है। सुरक्षा तैयारियों का यह सिर्फ ट्रेलर है। हमारे पास पक्की जानकारी है कि G20 शिखर सम्मेलन से कई दिन पहले ही भारतीय वायुसेना सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है। सीधे आइए, राफेल के साथ साथ कई फाइटर जेट्स जो हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो हाई अलर्ट पर रख दिए गए हैं। राफेल के साथ साथ कई फाइटर जेट्स, हमें पता चला है कि राफेल को दिल्ली के एक बेहद करीब के एयरबेस पर तैनात किया गया है। उसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे। आसमान से
एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम नेत्र नजरें बनाए रहेगा। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम भी तैनात की जाएंगी। 70 से 80 किलोमीटर की रेंज वाले जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को उस जगह मूव किया गया है जहां से ये किसी भी खतरे से निपट सकता है। सबसे बड़ी बात, वेस्टर्न एयर कमांड और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड भी ऑपरेशन मोड में आ चुके हैं। तैयारी जबरदस्त है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी ताकत पूरी दुनिया देखने जा रही है। जानकारी यह भी है कि भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस भी इस दौरान दिल्ली में क्रिटिकल लोकेशन या क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस पर तैनात रहेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, केमिकल और न्यूक्लियर अटैक से होने वाले नुकसान को भी बहुत हद तक कम करने की तैयारी हो रही है। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। किसी भी देश में जब केमिकल अटैक होता है तो कैसा भयावह मंजर होता है, उसकी बांधी है फिल्म का ये सीन। मौके पर ही लोगों की सांसें फूलने लगती हैं, दम घुटने लगता है, फिर घुट घुट कर मौत हो जाती है। न्यूक्लियर अटैक के दौरान होने वाली रेडिएशन के बाद का मंजर कुछ ऐसा ही भयानक होता है। दिल्ली में जब G20 होगा तो इस तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसकी तैयारी भी जबरदस्त है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक दो नहीं 150 डॉक्टरों की एक टीम तैयार की गई है। उन्हें नई दिल्ली एम्स में कुछ इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वो ऐसी परिस्थिति में आने वाली चुनौतियों से निपट सकें। केमिकल ट्रेनिंग है, रासायनिक ट्रेनिंग है, ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। जो डॉक्टर्स यहाँ से ट्रेन होके गए हैं वो केमिकल में भी ट्रेन हो रहे हैं वहाँ पे आज, और ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग उनकी की जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 days, ताकि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो तो उसके लिए सक्षम हो। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के अस्पताल भी पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ के अस्पतालों में भी डॉक्टरों को ये बताया जा रहा है कि बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेडिएशन हो तो उसे कैसे टैकल करना है। आगामी G20 को लेकर एम्स को एक नोडल हॉस्पिटल के तौर पर डेवलप किया गया है जहाँ पे कि तमाम तरह की ट्रेनिंग चल रही है। दरअसल खतरा इस बात का है कि तमाम तरह की जो बातें हो रही है उसमें इस तरह की इंटेल रिपोर्ट भी है कि रासायनिक हथियारों से भी खतरा हो सकता है, और ऐसी स्थिति में अगर आती है तो कैसे निपटा जाए, ये बड़ी चुनौती है। ट्रेनिंग वगैरह चल रही है उसके साइड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, जो यहाँ से ट्रेन हो गए हैं लोग डॉक्टर्स, उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे कराई जा रही है। एडवांस उसके लिए CBRN ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, तो रेडिएशन से जो भी कोई अगर अटैक हो, इस तरह खतरा होता है, उसे किस तरह टैकल करना, आगे कैसे हैंडल किया। G20 के मीटिंग पॉइंट से सबसे नजदीक अस्पतालों में LNJP अस्पताल है। यहाँ के डॉक्टरों को एम्स ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। वहाँ से आने के बाद इन प्रशिक्षित डॉक्टरों ने अस्पताल के स्टाफ को ट्रेन किया। इसी तरह से दिल्ली सरकार के एक और अस्पताल GB Pant को भी विशेष तौर पर तैयार रहने को कहा गया है। वहीं केंद्र सरकार के अधीन आने वाले लेडी हार्डिंग अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल को भी विशेष तौर पर रेडी रहने को कहा गया है। कुमार कुंदन, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। एक अंग्रेजी की कहावत है, doesn't get bigger than this, यानी इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी दिल्ली में होंगे, जापान के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति भी बैठक में शामिल होंगे। इस तरह से चीन, जर्मनी, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। ये सभी मेहमान और उनके साथ आने वाले प्रतिनिधि दिल्ली के 23 से और NCR के 9 होटल्स, दिल्ली के 23 और NCR के 9 होटल्स में रुकेंगे। इनमें सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की होगी। बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे। वो नई दिल्ली में ITC मौर्य होटल में रहेंगे। बाइडेन को इस होटल की 14वीं मंजिल पर प्रेसिडेंशियल सूट में ठहराया जाएगा। होटल के 400 कमरे बुक हैं। हमारे पास जानकारी है कि इस दौरान बाइडेन US सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडोज के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाला सबसे बड़ा काफिला भी उन्हीं का होगा जिसमें 55 से 60 वाहन शामिल होंगे। बाइडेन की सुरक्षा में और क्या क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखें। ये लाभ लश्कर देख रहे हैं, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट का सुरक्षा घेरा है, US सीक्रेट सर्विस का सिक्योरिटी इंतजाम है।
बाइडेन 7 सितंबर को जब एयरफोर्स वन से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उसके बाद यहाँ की सड़कों का नजारा कुछ ऐसा होगा। यहाँ से वो ऐसी ही भव्य काफिले के साथ आईटीसी पौरी होटल की ओर रवाना होंगे। उनके साथ लगभग 400 लोगों की टीम आईटीसी पौरी में ठहरेगी। जिस मार्ग से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा उसे पूरी तरह से सीक्रेट सर्विस अपने कब्जे में ले लेगी। भारत के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर अमेरिका की सीक्रेट सर्विस विंग ने पहले ही होटल की सुरक्षा का घेरा तैयार कर दिया है। ऐसी जानकारी है कि इस दौरान उनके आसपास अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के लगभग 300 कमांडो तैनात होंगे। बाइडेन के कारकेट यानी काफिले में 55 से 60 गाड़ियां होंगी। बाइडेन की बुलेट प्रूफ कार पर हैंड ग्रेनेड, आईईडी या हल्का मिसाइल अटैक बेअसर रहता है, जबकि केमिकल अटैक और न्यूक्लियर अटैक से भी ये गाड़ी महफूज रहती है। राष्ट्रपति की गाड़ी के टायर भी बुलेट प्रूफ होते हैं। यूएस प्रेसिडेंट के काफिले में ऐसी कुल मिलाकर 3 गाड़ियां होती हैं। जिस कार में बाइडेन होंगे उसमें फुटबॉल नुमा एक उपकरण लगा है, यानी एक ऐसा स्विच जिसका इस्तेमाल वो इमरजेंसी के दौरान कर सकेंगे। ये असल में एक न्यूक्लियर स्विच होता है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में अमेरिका में कुछ ऐसा होता है कि उन्हें न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना जरूरी लग रहा है तो वो दिल्ली में अपनी कार के अंदर बैठे बैठे ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस भी देश की यात्रा करते हैं तो उस वक्त उनके साथ डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहती है जिनके पास प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप का एक ब्लड पैकेट होता है और वो आपातकाल में उन्हें बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी की भी सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है। इसी तरीके से जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे स्टेट गेस्ट बनकर, तब उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सीक्रेट सर्विस के पास थी। पहली लेयर जो थी वो सीक्रेट सर्विस के पास थी क्योंकि वो वहां पे स्टेट गेस्ट थे। बाइडेन के अलावा नजरें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर भी रहेंगी, हालांकि ये तय नहीं है कि जिनपिंग आएंगे या नहीं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर है कि जिनपिंग की जगह चीन के विदेश मंत्री वैंग ही भारत आएंगे। ऐसे वक्त में जब बॉर्डर को लेकर मसले अनसुलझे हैं, ब्रिक्स में ही जिनपिंग और पीएम मोदी में तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई थी, दोनों लीडर्स में सहमति बनी थी। इसके बाद चीन के ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर विवादित मैप जारी किया और अक्साई चिन की सैटेलाइट तस्वीरें भी इसी दौरान सामने आईं, जिससे दोनों देशों में टेंशन अब हाई है। हैरानी तो इस बात की है कि चीन ने उस चीज को जस्टिफाई किया है। कल अगर जिनपिंग आते हैं तो वो और उनके प्रतिनिधि दिल्ली के होटल ताज में ठहरेंगे। वहां इंतजाम कैसे हैं ये स्पेशल रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये है दिल्ली का होटल ताज। G20 के मद्देनजर यहाँ की तैयारियां अद्भुत हैं। जिनपिंग जब यहाँ आएंगे तो फूलों से वेलकम होगा, तुलसी की माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा, पारंपरिक संगीत बजाकर सत्कार होगा, खास किस्म की शॉल भी उन्हें पहनाई जाएगी। जैसे ही गेट से लोग एंटर करेंगे उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे परिचायिकाएं होंगी जो कि अपने हाथ में आरती का थाल लिए होंगी और उसके दूसरी तरफ यहाँ पे बकायदा ट्रेडिशनल म्यूजिक से उनका स्वागत किया जा रहा होगा। हमारे साथ नयन सेठ सर हैं। सर एक बात बताएं कि किस तरह की आप लोगों ने तैयारी की है। सो ताज पैलेस में बहुत से बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समिट होते रहे हैं और उसी तरीके से इस बार भी ये जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे है, हमारे पास भी ये विभिन्न देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स रह रहे होंगे और विजिट करेंगे। शी जिनपिंग होटल ताज के प्रेसिडेंशियल सूट में रहेंगे जहां ये सूट पहले और सातवें फ्लोर पर है। जिनपिंग किस फ्लोर पर रहेंगे सुरक्षा कारणों से ऐसा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वो जिस सूट में रुकेंगे उसमें 2 बेडरूम, 1 लिविंग एरिया, 1 ऑफिस एरिया, 1 डाइनिंग एरिया के साथ गार्डन एरिया भी होगा। ये कमरा कोई और नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ पे मौजूद होंगे। आइए अब आपको इस कमरे की भव्यता दिखाते हैं। सबसे पहले जब आप कमरे में एंटर करते हैं तो ये एक लिविंग एरिया और यहाँ पे एक खाने की व्यवस्था भी है। ये तकरीबन 8 लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था होगी। TV9 भारतवर्ष के पास जानकारी है कि होटल ताज में विदेशी मेहमानों के लंच और डिनर का खास इंतजाम किया गया है। पीएम मोदी मिलेट्स को काफी बढ़ावा दे रहे हैं तो G20 के मेहमानों के लिए मिलेट्स से पकवान तैयार किया जाएगा, लेकिन जिनपिंग को क्या पसंद है इसका भी ध्यान रखा गया है।
तो मान लीजिए अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, तो उनके भी जो देश में जो खाना है क्या उसकी भी व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? उनकी भी व्यवस्था रहेगी। हमारे वेस्टर्न ऑप्शंस रखे हुए, हमने जैसे यहाँ पे सैलड रखा है जो कि एवोकाडो सैलड है, इसके अंदर हमने काफ़ी सारे लीव्स यूज़ करे हुए हैं, फ्रूट्स यूज़ करे हुए हैं। तो साथ ही साथ ये सैलड के साथ साथ हमने यहाँ पर वेज ऑप्शंस भी रखा है। वेज नॉन वेज का ऑप्शन तो हमारे, वेज में हमारे पास ये रिजोटो राइस है जो कि हमने मशरूम रागू के ऊपर प्लेट करके लगाया हुआ। चीन में आमतौर पर ऑर्चिड फूल को अच्छे भाग्य, सद्भाव और अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। जानकारी के मुताबिक होटल ताज में जब जिनपिंग आएंगे तो उनके स्वागत में इसी ऑर्चिड फूल का इस्तेमाल किया जाएगा। कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। एक छोटी सी बात आपको बताना है और बहुत जरूरी है। डिनर डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है। बिल क्लिंटन जब पहली बार भारत आए राष्ट्रपति के तौर पर, उनको खाना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अमेरिका जाकर इंडियन होटल्स ढूंढने शुरू कर दिए और कहा कि मुझे जो खाना वहां पर पसंद था वही खाना वहां पर चाहिए। वैसे न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से एक खबर यह भी है कि जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन से दूरी बना सकते हैं, वो अपनी जगह चीन के PM ली कियांग को भेज सकते हैं। क्या ये इत्तेफाक है, जिनपिंग और पुतिन दोनों साथ ना आए? सोचिए, कोई कनेक्शन है? हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि G20 के सभी राष्ट्र प्रमुखों को भारत की तरफ से न्योता भेजा गया है, उनके आने या ना आने की पुष्टि उन्हीं की तरफ से की जाएगी। दिल्ली की सुरक्षा ऐसी है कि अगर कोई हमलावर आएगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब खबर उस शख्स की जो जिंदा है या मुर्दा, ये अब बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही है। नाम तो सुना होगा आपने, प्रिगोजिन, वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, द शेफ जिसे कहते हैं, निकनेम जिसका नाम है द शेफ। 23 अगस्त को विमान क्रैश हुआ, 28 अगस्त को रूस ने प्रिगोजिन के मारे जाने की आधिकारिक मोहर लगाई, 29 अगस्त को चुपचाप प्रिगोजिन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 29 अगस्त को प्रिगोजिन का चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया गया क्योंकि इस बात का डर था कि प्रिगोजिन की वजह से मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में लोगों के इमोशंस बाहर निकल कर ना आ जाएं, ये कहा जा रहा है। अब 2 दिन बाद प्रिगोजिन फिर जिंदा लौट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी कई थ्योरी सामने आ रही हैं। प्रिगोजिन का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो के बीच वैगनर चीफ के अंतिम संस्कार पर जो दिखा उसने प्रिगोजिन के जिंदा होने की थ्योरी को और पुख्ता कर दिया। इस रिपोर्ट में देखें, तारीख 29 अगस्त 2023, जगह सेंट पीटर्सबर्ग, मौका प्रिगोजिन का अंतिम संस्कार। काले लिबास में एक महिला प्रिगोजिन के फ्यूनरल में शामिल होती है, दुखी मन से फूल चढ़ाती है और रोती है। रशियन मीडिया शुरुआत में प्रिगोजिन की पत्नी लियुबोव प्रिगोजिना के तौर पर महिला की पहचान करता है। कुछ ही पलों में यह दावा गलत साबित होता है, महिला प्रिगोजिन की पत्नी नहीं थी। आखिर प्रिगोजिन के फ्यूनरल में शामिल आई ये महिला कौन थी? रूसी मीडिया के मुताबिक ये महिला प्रिगोजिन के हमशक्ल या बॉडी डबल लियोनिद द क्रसाविन की पत्नी इरिना क्रसाविन थी। इस दावे के बाद से ही प्रिगोजिन के जिंदा होने की अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। प्रिगोजिन नहीं, हमशक्ल की मौत, थ्योरी नंबर 1। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन नहीं बल्कि उसके बॉडी डबल की मौत हुई है। ये तस्वीर लियोनिद क्रसाविन की है जो प्रिगोजिन का सबसे करीबी बॉडी डबल है। प्रिगोजिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए लियोनिद का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता था। एक पासपोर्ट की कॉपी भी सामने आई है जिस पर फोटो लियोनिद की है लेकिन नाम प्रिगोजिन का है। दावा है कि प्रिगोजिन सुरक्षा के लिहाज से अपने अलग अलग बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करता था। भेष बदलने में माहिर था प्रिगोजिन, थ्योरी नंबर 2। प्रिगोजिन की बॉडी डबल वाली थ्योरी को इन तस्वीरों से भी बल मिलता है। यह अलग अलग तस्वीरें प्रिगोजिन की है जब उसने अपने दुश्मनों से बचने के लिए अलग अलग भेष बदला। कभी उसने काली दाढ़ी बढ़ाई, कभी सफेद दाढ़ी में दिखा, फ्यूनरल में बॉडी नहीं दिखाई, थ्योरी नंबर 3। अगर प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है तो रूस उसकी बॉडी को दुनिया से क्यों छिपा रहा है? क्योंकि जिस दिन प्रिगोजिन का फ्यूनरल हुआ, दावे के मुताबिक उस दिन फ्यूनरल वाली जगह के आसपास सिक्योरिटी बेहद सख्त थी, किसी को बॉडी देखने की इजाजत नहीं थी सिवाय उसकी पत्नी और बेटी के। थ्योरी नंबर 4, अफ्रीका में छिपा है प्रिगोजिन।
एक दावे के मुताबिक प्रिगोजिन जब अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में होता था तब अपना हुलिया अक्सर बदलता था। अफ्रीका के कई देशों में सैन्य विद्रोह हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसमें वैगनर ग्रुप की भूमिका सामने आ रही है। हो सकता है कि प्रिगोजिन को दुनिया के सामने मरा साबित करने के बाद पुतिन ने उसे अफ्रीका में नए मिशन पर भेजा। सबसे बड़ा तर्क जो पश्चिमी देशों की तरफ से दिया जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत नहीं हुई है वो ये है कि जब पूरी बॉडी प्लेन क्रैश में जल गई तो डीएनए टेस्ट किसका किया गया? सोचिए। इस सब के बीच में प्रिगोजिन का एक नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो अफ्रीका में शूट हुआ है, यह है वो लेटेस्ट वीडियो और कहा यह जा रहा है कि प्रिगोजिन का यह आखिरी वीडियो है। इसकी तारीख 19 से 20 अगस्त बताई जा रही है। वीडियो में भी प्रिगोजिन कह रहा है कि वो ठीक है। Вторая половина августа 23-го года. Нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. Аб джо эк теории самне ати хэ. Мэ я хамара чанал исе кахин се верифа я конфирм нахи кар рахэ. लेकिन कहा यह जाता है कि प्रिगोजिन ने CIA को डबल क्रॉस किया है पुतिन के नाम पर, और प्रिगोजिन पुतिन के करीबी थे और पुतिन ने प्रिगोजिन को बचाने के लिए पूरी थ्योरी रची है, यह कहा जा रहा है जिसे हम कंफर्म नहीं करते हैं। लेकिन प्रिगोजिन जहां जहां गया उसने पुतिन के लिए काम किया, पूरे अफ्रीका को हिला के रख दिया। लेकिन इस वक्त यूक्रेन ने पूरे रूस को हिला के रखा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए। स्कोव एयरबेस पर अटैक के बाद अब जेलेंस्की की सेना ने क्रीमिया को टारगेट बनाया, ब्रियांस को टारगेट बनाया और फिर से मॉस्को पर अटैक किया। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर मिसाइल ड्रोन से स्ट्राइक की गई है। तस्वीरें देखिए अब आप। पिछले 36 घंटे से रूस के खिलाफ यूक्रेन की नॉनस्टॉप स्ट्राइक जारी है। स्कोव एयरबेस के बाद यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया पर मिसाइल ड्रोन स्ट्राइक की। यूक्रेनी ब्रिगेड ने आधी रात को क्रीमिया को दहलाने की कोशिश की। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का प्लान बनाया था। यूक्रेन ने क्रीमिया के फियोदोसिया में बड़ी स्ट्राइक करने की कोशिश की। यहीं पर रूसी सेना की एयरफील्ड है, टारगेट पर यही एयरफील्ड था। हालांकि रूस का दावा है कि क्रीमिया में तैनात एयर डिफेंस ने आधा दर्जन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका क्रीमिया के पावर ग्रिड पर हुआ। इस वजह से एक बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। रूस के कई सैन्य ठिकाने अंधेरे में डूब गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से अटैक किया। दूसरी थ्योरी ये है कि जेलेंस्की सेना ने घातक ड्रोन से क्रीमिया को टारगेट किया। इस बीच जेलेंस्की ने दावा किया है कि 700 किलोमीटर की दूरी से हमला किया गया। हालांकि यूक्रेन के पास सिर्फ स्टॉर्म शैडो मिसाइल है जिसकी रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर है। क्रीमिया के साथ यूक्रेन ने राजधानी मॉस्को समेत रूस के एक दर्जन इलाकों में ड्रोन अटैक किए हैं, क्योंकि कीव ने 1000 से ज्यादा घातक ड्रोन फ्रंट लाइन पर भेज दिए हैं। हमने फ्रंट लाइन पर 1000 से ज्यादा ड्रोन भेज दिए हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद हमारे जवानों के पास 30 रोबोटिक सिस्टम है। क्रीमिया पर जल्द ही यूक्रेन का कब्जा होगा, हमारी तैयारी पूरी है। दूसरी तरफ जेपोरिजिया में रोबोटाइन जीतने के बाद यूक्रेनी सेना तेजी से क्रीमिया की तरफ बढ़ रही है। उसे तोकमाक और वर्बोबोई में भी बढ़त मिल गई है। इस सब के बीच में आपको एक खबर बताना जरूरी है, वो ये है कि G20 का क्या एक इंपॉर्टेंट एजेंडा हो सकता है यूक्रेन भी, और सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी पर है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक और सरप्राइज लेकर आए। हम बात कर रहे हैं उनके इस सरप्राइज की। जिस वक्त मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने वाली थी, विपक्षी दलों के नेता मुंबई में जुट रहे थे, ठीक उसी वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आई है। खबर यह कि मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। सवाल यह है कि विशेष सत्र क्यों? सरप्राइज देने की
आदि मोदी सरकार क्या कोई बड़ा कदम उठाने वाली है, इसे लेकर अटकलें लगने लगी हैं और तीन बातें सामने आई हैं। पहली बात यह कि स्पेशल सेशन में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है, इसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी खबर यह कि विशेष सत्र में केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है। अगर यह बिल पेश हुआ और पास हो गया तो सदन का सीन कैसे बदल जाएगा, यह गणित आपको दिखाएंगे हम। तीसरी चर्चा इस बात की हो रही है कि 5 दिनों के सत्र में चंद्रयान 3 की कामयाबी और G20 की सफलता पर मोदी सरकार चर्चा करेगी और सरकार की उपलब्धियां बताएगी। सबसे पहले खबर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। सूत्रों के मुताबिक संसद भवन की नई बिल्डिंग में होने वाले विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन सबसे अहम मुद्दा हो सकता है। इसका मतलब क्या है, पहले यह जान लीजिए। क्या यह परंपरा देश के लिए नई है या पहले भी देश में एक साथ चुनाव होते रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव से। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। 1967 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। सवाल है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन जैसा देश को प्रभावित करने वाला फैसला इतना जल्दी लिया जा सकता है? इस सवाल को समझने के लिए TV9 भारतवर्ष ने संविधान विशेषज्ञों से बातचीत की। उनके मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन होगा, लेकिन इस संशोधन को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत और 50% राज्यों में सामान्य बहुमत से पारित कराना होगा। जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन करके धारा 2 में एक साथ चुनाव की परिभाषा जोड़नी पड़ेगी। इन संवैधानिक मुश्किलों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों पर वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी कर चुके हैं, तो सवाल वही है, क्या संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार ऐसा कोई बिल लाएगी या नहीं? सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में क्या कहते रहे। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। अब यहां आप यह भी देख लीजिए कि कहां किसकी सरकार है। बीजेपी गठबंधन की सरकार 15 राज्यों में है, जबकि कांग्रेस गठबंधन की सरकारें 7 राज्यों में है। बाकी के राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। बिल पारित कराने के लिए 50% राज्यों की सहमति चाहिए, तो उस हिसाब से केंद्र सरकार के लिए यह बिल पास कराना बहुत मुश्किल भरा नहीं होगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद से पास हो जाता है तो देश को इसका क्या फायदा होगा, आइए बताते हैं। 2018 के लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से पैसों की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा, सरकारी नीतियों को समय पर लागू किया जा सकेगा, चुनाव के लिए बार बार आचार संहिता लागू नहीं होने से विकास के काम प्रभावित नहीं होंगे, प्रशासनिक मशीनरी चुनाव से ज्यादा विकास के कामों पर ध्यान दे सकेगी। इसके अलावा मतदाता को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को राज्य और केंद्र दोनों के स्तर पर परखने का मौका मिलेगा। इधर संसद के विशेष सत्र की खबर सामने आई, उधर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। दिल्ली से लेकर मुंबई तक विपक्ष के नेताओं ने अपने अपने बयानों से राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। इंडिया अलायंस के नेताओं ने कैसे सरकार की मंशा पर सवाल उठाया, इस पॉलिटिकल रील से देखिए आप। कि ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है, तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया? यही खास करके डेट क्यों चुनी गई?
ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। It's a bit of a surprise. I was not expecting this. We don't know what the government wants to do. One rumor is maybe the government wants to dissolve the Lok Sabha and call elections early because they are afraid of losing in five states in November, December. क्यों बुलाया गया है? और ये बजट सेशन मॉनसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसकी बारे में जानकारी देगी। पांच दिनों के संसद के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार का दूसरा मास्टर स्ट्रोक महिला आरक्षण बिल हो सकता है। अगर महिला आरक्षण बिल सदन में पेश हुआ तो बहुत बड़ा कदम होगा। दशकों से इसकी मांग उठती रही है, ऐसे में अगर ये विधेयक पारित हो गया तो पूरी संसद की तस्वीर बदल जाएगी। राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा ब्रिटिश शासन के दौरान 1931 में उठा था। तब कुछ आंदोलनकारियों ने इस बारे में ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी थी। आजाद भारत में 1971 में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को लेकर एक कमेटी बनाई गई। 1988 में महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। इन सिफारिशों के आधार पर संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ, जिसके तहत सभी राज्यों को पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान किए। संसद के इस विशेष सत्र में दो और मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन सूत्रों का दावा कि इसमें चंद्रयान 3 की कामयाबी, G20 की सफल बैठक पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि G20 शिखर बैठक के 7 दिनों बाद ही यह विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस सत्र के दौरान G20 के सफल सम्मेलन पर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत की धमक और बढ़ती साख का जिक्र हो सकता है। राजनीति का एक बड़ा मंच इस वक्त मुंबई में सजा हुआ है, जहां इंडिया अलायंस की 28 पार्टियों के नेता 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चा के लिए एक जगह पर एक साथ जुटे। इस वक्त मुंबई के ग्रैंड हयात होटल पर विपक्षी दलों के नेताओं की डिनर मीटिंग चल रही है। यह डिनर शिवसेना उद्धव की तरफ से दिया गया है। इस डिनर मीटिंग में विपक्ष के सभी बड़े चेहरे मौजूद हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग में मौजूद हैं। आरजेडी के लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी भी मौजूद हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। इंडिया अलायंस को लेकर बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार विक्रांत ने दी है। पता चला है कि इंडिया अलायंस ने अपना लोगो फाइनल कर दिया है। वैसे लोगो का डिजाइन पहले ही बना लिया गया था, लेकिन यह कुछ पार्टियों को पसंद नहीं आया, जिसके बाद आज लोगों को के डिजाइन को लेकर फिर चर्चा हुई, जिसके बाद कुछ बदलाव पर सहमति बनी। खबर है कि अब 2 से 3 नए लोगों तैयार किए गए। अब इनमें से एक लोगों कल दोपहर औपचारिक रूप से जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इंडिया के लोगों में भारत के झंडे के केसरिया, सफेद और हरे तीनों रंग होंगे। इन केसरिया रंग से डी सफेद रंग और आई ए पर हरा रंग होने की जानकारी मिली है। TV9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने इंडिया गठबंधन के लोगों को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान से सवाल पूछा। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। देखिए, अब ये लोगो वगैरह बात, देखिए चुनाव जब होता है तो उसमें झंडा होता है, चुनावी निशान होता है, उसमें स्लोगन्स होते हैं, वो तो सब चलता रहेगा ना। देखिए, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, ये कोई लोगों की लड़ाई नहीं है। बेंगलुरु और पटना में जो बैठक हुई थी वो अगर कहा जाए तो बस एक मेल मिलाप था, लेकिन यहां पर कई कोर इश्यूज पर चर्चा होगी और शुरुआत शायद लोगों से होगी। इंडिया अलायंस के लिए कल का दिन अहम है। कल बैठकों का दौर सुबह 10:15 से शुरू हो जाएगा। सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक, यानी करीब 3.5 घंटे गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। दोपहर में ही इंडिया गठबंधन का लोगो जारी होगा, इसके बाद लंच होगा और फिर इसके बाद दोपहर 3:30 इंडिया अलायंस की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वैसे आज दिन भर विपक्षी दलों की तरफ से सियासी तीर छोड़े गए। मोदी सरकार और बीजेपी पर किस तरह हमला किया गया, आप खुद देखिए इस रील के जरिए।
पार्टी के विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है, उनका उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है, और वो हमें हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। द बीजेपी हैज नो चॉइस बट वी हैव मेनी चॉइसेस फॉर द पीएम फेस। इंडिया के नाम सुनते अभी मोदी जी डर रहे हैं, और ये इंडिया नामक जो गठबंधन, ये मोदी जी की नींद हराम कर दिए है। मैं ये नसीहत देंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नींद की गोली का इंतजाम करें। मामले ने मायावती का वेलकम किया है, ये दोनों नॉन एंटिटी हो चुके हिंदुस्तान की राजनीति। तरीके से हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है, सरकार को, बीजेपी को सरकार से हटाना है। ये है हमारी मकसद, उसको कैसे करेंगे हम वो चर्चा करेंगे। इंडिया का भी विस्तार होगा और समय के साथ और भी पार्टियां, राजनीतिक संगठन, लीडर हमारे साथ आएंगे। डिवर्सिटी कहा जाता है कि हम विभिन्न राज्यों से आते हैं, सोच अलग हो सकती है पर देश कहीं झुकना नहीं चाहिए। 2013 से हजार कोशिश आप कर चुके हैं, खाट यात्रा, अमुक गठबंधन, तमुक गठबंधन, सब कुछ आपने कर लिया है कि आपका मिसाइल कैसे भी करके लॉन्च हो। ये आप घमंडिया गठबंधन करके आप सोच रहे हैं कि आपका मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। नो, मिसाइल लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि उस मिसाइल में फ्यूल नहीं है। हमारे चंद्रयान में विकास है, आपके मिसाइल में फ्यूल नहीं है। अब देखिए, पर्सपेक्टिव की बात होती है, इंडिया अलायंस को लेकर क्या सोच है, क्या वो आगे कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है बीजेपी के लिए, सरकार के लिए। आज दोपहर में मैंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू में मैंने उनसे ये सवाल पूछा, वैसे तो कई सवाल पूछे लेकिन एक सवाल इंडिया अलायंस की मुंबई में हो रही मीटिंग को लेकर था। हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहा, आपको जरूर देखना चाहिए। इट इज अ वेरी कॉमिकल कार्निवल लाइक म्यूजिकल चेयर्स गोइंग ऑन देयर। वहां पे क्या हो रहा है, ममता जी कहती हैं शी इज रेडी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, वो नीतीश बाबू कहते हैं उनका बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमन है, कैसे कहते हैं बिहार तो चलता नहीं उनसे, वो देश को चलाएंगे बिहार के लेवल के या बिहार को रेस करेंगे देश के लेवल पर। और वहाँ पे फिर केजरीवाल जी भी शुरू हो जाते हैं, पर उनका नाम, उनका शक्ल, उनका पिक्चर पोस्टर से हटा दिया। मैं देख रहा था, मेरी हमारी कोलीग हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, वो कह रही थी उद्धव ठाकरे को भी बनना चाहिए। तो एट एनी गिवन डे यू गॉट एनी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। पॉलिसी पे तो अभी बात नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि एक कन्वीनर होगा, मैंने शायद जयराम जी का नाम चला कन्वीनर, फिर उन्होंने बोला नहीं एक कन्वीनर कैसे होगा, एक कमेटी होगी 11 लोगों की जो कन्वीन करेगी। तो एक कन्वीनर कमेटी बनाइए और उसके बाद शायद एक दो लोगों को लगाए जो कन्वीनर सब कन्वीनर होंगे, जो कन्वीनिंग कमेटी को कन्वीन करेंगे। देखिए, दिस इज अ पॉलिटिकल सर्कस आई वुड से। वैसे मैंने इनसे एक और सवाल पूछा था, मैंने कहा था देखिए सिलेंडर के दाम तो कम हो गए, पेट्रोल के कब होंगे, तो उन्होंने बॉल कांग्रेस के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश हैं वो वैट कब कम कर रही है, इसका जवाब है कोई? इंडिया अलायंस की मीटिंग के बीच गौतम अडानी ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर आई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर यह बम फूटा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की रिपोर्ट, OCCRP की रिपोर्ट में तीन बड़े दावे किए गए हैं। पहला दावा, अडानी ग्रुप फैमिली पार्टनर्स ने अपने ही ग्रुप के शेयरों को खरीदने के लिए करोड़ रुपए निवेश किए। दूसरा दावा, निवेश मॉरिशस में ऐसे फंड के जरिए किए गए जिसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। तीसरा दावा, अडानी ग्रुप की कंपनियों ने साल 2013 से 18 तक गुपचुप तरीके से अपने शेयरों को खरीदा था। OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में कई टैक्स हेवन देशों की फाइलों और अडानी ग्रुप के आंतरिक ईमेल्स का हवाला दिया है। OCCRP की रिपोर्ट में दो विदेशी निवेशकों नासिर अली शबान अहली
और चांग चुंग का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी परिवार के साथ निवेशक नासिर अहली और चांग चुंग के लंबे समय से व्यापार रिश्ते हैं। दावा किया गया है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने के ग्रुप की कंपनियों में ये डायरेक्टर और शेयर होल्डर भी रह चुके हैं। OCCRP ने जो दावे किए हैं अगर ये सही हैं तो ये भारत में निवेश नियमों के तहत गैरकानूनी है। ऐसा करना सेबी के नियमों के खिलाफ है। यही रिपोर्ट विपक्षी दलों के आज की राजनीति का मुख्य हथियार बनी। राहुल गांधी जैसे ही मुंबई पहुंचे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जानकारी दी। राहुल की PC में कोई और घटक दल नहीं शामिल हुआ। साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई के उस होटल के भीतर नहीं हुई जहां इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, बल्कि होटल के एक लॉन में रखी गई। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया। अदानी जी हैं वो हिंदुस्तान के कोई भी एसेट को खरीद सकते हैं, चाहे वो धारावी हो, मुंबई एयरपोर्ट हो। एंड प्राइम मिनिस्टर शुड कम क्लीन। प्राइम मिनिस्टर शुड से यस, आई अनाउंस अ JPC, आई अनाउंस एन इन्वेस्टिगेशन इनटू मिस्टर अदानी। एजेंसीज हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो डील करते हैं ऐसे आरोपों को, वो अपना काम करेंगे। कुछ ताकतें ऐसी हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, ऐसे बहुत सारी ताकतें हैं और दुनिया में, जो एक बहुत मजबूत देश जो मजबूत बन रहा है, एक सॉफ्ट नेशन होता था, एक स्ट्रांग नेशन की तरह जो भारत उभर के आया, तो कई लोगों को आंखों में खटकता है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। इस पूरे विवाद पर अडानी ग्रुप की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। अडानी ग्रुप ने सारे आरोपों का खंडन किया है। अपनी सफाई में अडानी ग्रुप ने क्या कहा आपको बताते हैं। अडानी ग्रुप ने आरोपों पर जो बयान जारी किया है उसमें कहा है, हम इन रिसाइकिल्ड आरोपों को खारिज करते हैं। ये न्यूज रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फिर से हवा देने के लिए सोरोस द्वारा पोषित विदेशी मीडिया के एक वर्ग की ओर से जानबूझकर प्रकाशित की गई है। OCCRP ने जो आरोप लगाए हैं वो एक दशक पुराने मामले से जुड़े हैं, जो मार्च 2023 में बंद हो चुका है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हमारे पक्ष में फैसला सुनाया था। ऐसी कोशिशों का मकसद हमारी कंपनियों के शेयरों को गिराकर मुनाफा कमाना है। सुप्रीम कोर्ट और मार्केट रेगुलेटर से भी इन मामलों की जांच कर रहे हैं, इसलिए प्रक्रिया का सम्मान करना जरूरी है। हमें कानून की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। इन न्यूज रिपोर्ट्स की टाइमिंग संदिग्ध और दुर्भावनापूर्ण है। हम इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अडानी ग्रुप पर जिस संस्था ने रिपोर्ट दी है उसे जॉर्ज सोरोस का नाम जुड़ा है। सोरोस को प्रधानमंत्री मोदी का विरोधी माना जाता है। वो समय समय पर मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं। ऐसे में रिपोर्ट के मकसद को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर भी। संसद के विशेष सत्र और उस पर जारी अटकलों के बाद अब हम चलते हैं सियासत की ओर, बल्कि जो भी कुछ आया सामने। बात उस इंटरनेशनल रिसर्च की जिसमें भारतीय राजनीति के दो चेहरे केंद्र में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर। इंटरनेशनल एजेंसी की रिसर्च क्या कहती है इसे हम सरल भाषा में समझेंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। इससे पहले प्यू रिसर्च सेंटर ने सर्वे कराया जिसमें भारत सहित 24 देशों के 30,861 लोग शामिल हुए। यह सर्वे 20 फरवरी से 22 मई के बीच में किया गया। चौबीस के चुनाव से पहले आई ये रिसर्च BJP के लिए बूस्टर की तरह है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों के लिए सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता बनकर उभरे।
रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से लगभग 8 भारतीयों ने यानी 79% ने उनको अपना पसंदीदा नेता बताया। इनमें 55% ने सबसे पसंदीदा जबकि 24% ने पसंदीदा बताया, वहीं 20% लोगों के लिए वो नापसंद रहे। नरेंद्र मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में उनका ये दूसरा कार्यकाल है और 15 अगस्त को लाल किले से वो अगले साल तीसरी बार अपनी सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं। पहली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी से जुड़ी इस रिसर्च को बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया। ये रिपोर्ट प्यू रिसर्च सेंटर ने मंगलवार को जारी की थी। सर्वे में विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया गया है, उन पर भी सवाल किए गए हैं। सर्वे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर दिलचस्प तथ्य सामने आया। वो पीएम मोदी से बहुत ज्यादा पीछे नहीं दिख रहे हैं। 10 में से 6 से ज्यादा भारतीयों की राय राहुल गांधी के लिए सकारात्मक रही। यह आंकड़ा 62% है जो ये मानते हैं कि वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि 34% भारतीय उनसे प्रभावित नहीं दिखे। राहुल गांधी पर यह सर्वे 25 मार्च से 11 मार्च के बीच किया गया। आपको याद होगा मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के बाद 27 मार्च को उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, यानी उन पर यह सर्वे उसी दौरान किया गया। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो चुकी है। इस सर्वे के पर पक्ष और विपक्ष की ओर से बयान भी आए, जिस पर यह स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। जनता को बहुत उसका उत्साह है, और क्यों ना हो, जब देश आगे बढ़ रहा हो, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही हो और साथ ही और भी देश की जनता गर्वान्वित महसूस करती है जब उस मुल्क ने जिसने हम पर राज किया है सालों साल तक, उसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ के हम अगर 5वीं स्थान प्राप्त करते हैं तो जाहिर है देश की जनता को बहुत बहुत गर्व होगा और गर्वान्वित महसूस करेगी, खासकर जब अमृत काल का समय चल रहा है। लेकिन अब कुछ अलग खबरें, राज्यों की वो 9 बड़ी खबरें जो दिन भर आपने कहीं नहीं देखी होंगी। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता। ISI से जुड़े आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के 5 साथी गिरफ्तार, 5 पिस्टल भी जब्त कर लिए गए हैं। राजस्थान में 3 दलितों को कुचलने के मामले में बनी बीजेपी की कमेटी। जेपी नड्डा ने 4 सांसदों को दी जांच की जिम्मेदारी। 4 सदस्यीय कमेटी राजस्थान का दौरा करेगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने यूट्यूबर्स कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। बोले पीएम मोदी के अंत्योदय तक पहुंचने को यूट्यूबर्स के जरिए किया जाएगा साकार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कावेरी जल विवाद पर बैठक की। बैठक के बाद बोले तमिलनाडु के किसानों का सम्मान करते हैं, 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का दिया आदेश। बीजेपी यूथ विंग ने मुंबई यूनिवर्सिटी के पास किया प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ लगाए नारे, भारी संख्या में जुटे थे कार्यकर्ता। यूपी के गाजियाबाद में वकील की हत्या के मामले में जीजा समेत 5 गिरफ्तार। चेंबर में घुसकर मारी थी गोली। CCTV में बाइक पर जाते दिखे थे संदिग्ध। राजस्थान के अजमेर में हुआ दर्दनाक हादसा। बच्चों को ले जा रही स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर, कई बच्चे जख्मी। असम में बाढ़ के हालात और बिगड़े। 22 जिलों में भारी बारिश से मचा हाहाकार। मोरीगंज जिले के 105 गांव में भरा पानी। पोखरण वॉर एक्सरसाइज में आज दिखा अर्जुन टैंक, ध्रुव हेलीकॉप्टर और आकाश मिसाइल का दम।